नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आपका स्वागत है। इंडियन प्रीमियर लीग में सोमवार को शारजा में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर के बीच मैच खेला गया। इस मैच में एबी डिविलियर्स ने 33 गेंदों में नाबाद 73 रनों की पारी खेली। एबी की इस पारी की बदौलत ही आरसीबी 2 विकेट पर 194 रन का स्कोर बना पाई। ये रन पर्याप्त साबित हुए और आरसीबी ने 82 रन से जीत दर्ज की। अब पूरा क्रिकेट जगत एबी डिविलियर्स की इस पारी की बात कर रहा है। इसी कड़ी में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री ने भी डिविलियर्स के लिए एक ट्वीट किया है। आईपीएल के इस 13वें सीजन में 7 मैचों में एबी डिविलियर्स अब तक 3 अर्धशतक लगा चुके हैं। आईपीएल में वो अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं। भारत के प्रमुख कोच रवि शास्त्री ने कहा कि ये डिविलियर्स के लिए अच्छा समय है जब वो अपना संन्यास वापस लेकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर सकते हैं। एबी डिविलियर्स अब तक 7 मैचों में 228 रन बना चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 20 चौके और 13 छक्के जड़े हैं। बता दें, केकेआर के खिलाफ एबी डिविलियर्स की पारी के बाद टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री ने एक ट्वीट किया। शास्त्री ने लिखा, कल जो कुछ हुआ हमने देखा वो चकित करने वाला था। वहीं ये संकेत देता है कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर लेनी चाहिए। बता दें कि एबी डिविलियर्स ने मई 2018 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था। ये निर्णय उस समय आया था जब वो 2019 में विश्व कप की दक्षिण अफ्रीका टीम का हिस्सा थे। वो दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े मैच विनर थे। उनकी अनुपस्थिति से दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट में एक शून्य पैदा हो गया। वो विश्व कप के 7वें नंबर की टीम साबित हुई। बता दें, पिछले साल विश्व कप के दौरान एक और विवाद उस समय खड़ा हुआ था जब डिविलियर्स ने संन्यास से वापसी की बात कही थी, लेकिन टीम प्रबंधन, कप्तान और हेड कोच ने इस संभावना को ये कहकर खारिज कर दिया कि ये उन लोगों के साथ अन्याय होगा जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका की विश्व कप टीम के लिए कड़ी मेहनत की है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।